पास पहुंचे सभी छात्र नेता पहुंचे हैं। छात्र नेताओं की मांग पत्र आपके सामने है सर, आप लोगों ने क्या इस पर निर्णय लिया है? झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन रांची के द्वारा एक मांग पत्र आज सौंपा गया और ये नौजवान यहाँ के बेरोजगार जो लड़का जो आज तक नियोजन नहीं हो पाए थे उस लोग भी हमसे मुलाकात किए और उन लोगों का जो मांग है उस मांगों पर उन्होंने जो मांग पत्र दिया है उस सारी चीज को हमने देखा है और हम लोग भी चाहते हैं, झारखंड सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ की लोगों को जो रोजगार दिया जाए, नियोजन निधि बनाकर इसको भरपाई किया जाए और मैं इन सभी को आश्वस्त कराना चाहते हैं, इनके मांग पत्र जो हमें मिला है उसको हम दिखवा कर माननीय मुख्यमंत्री से बात करके ये रास्ता प्रशस्त करने की काम करेंगे। तो सर जो वो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि जो मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता जो रखी गई है, जो उसको समाप्त किया गया, तो सिर्फ झारखंडियों के लिए किया गया है कि पूरे भारत के लिए? सारे मैटर को हम लोग ने कहा कि अगर हमारा मनसा साफ है कि अगर जिस तरह हाई कोर्ट ने जो रद्द कर दिया हमारे जो नियोजन नीति हम लोग बनाए थे जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे रद्द कर दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम कोर्ट नहीं जाकर ऐसे नियम बनाकर यहाँ के अधिक से अधिक लोगों को नियोजन हम दे सके, उसी रास्ता को अपने के काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है और जो आपकी मांग आज मांग पत्र हमें मिला है निश्चित तौर पर इसको दिखाकर हर बिंदुओं को देखकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करके जो झारखंड के यहाँ के लोगों के डिलीवरी बड़ी बेहतर होगा उसी रास्ता को अपनाएंगे। और जहाँ तक आप लोग से ये भी हमारा ये रहेगा कि आप लोकतंत्र में कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। अब यही बात रहा कि आप कल धरना में बैठिएगा नहीं बैठिएगा ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपके लिए लड़ाई में सम्मिलित है, झारखंड सरकार यहाँ की नौजवानों के साथ है, ये हम करना चाहते हैं। सर एक चीज और हो जाएगी सर, देखिए हमारी सरकार हमारी नेता हेमंत जी का भी यही सोच है कि मार्च महीने में कम से कम 4-5 एडवर्टाइजमेंट हम लोग निकाले ताकि लोगों को लगे कि सरकार ने जो जवान दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ के नियोजन नीति बनाकर यहाँ के जो नौजवानों को जोड़ने की काम करेंगे, उस दिशा में मार्च में ही आपको दिखने मिलेगा। सर सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि हमारे आपने हमारे मुद्दों को इतना गंभीरता से लिया और आपको अभी तुरंत आप गोमिया से यहाँ आए। सर आपको जो हम लोगों ने मांग पत्र दिया है सर इन बिंदुओं पे क्या कहना चाहेंगे सर आपसे? हमारी सरकार राज्य के आदिवासी मूलवासियों के जनभावना के अनुरूप काम करती है और जो सुझाव आज झारखंड स्टेट